अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो मूंग की दाल है। आज हम मूंग की दाल बनाएंगे और ये मैंने भिगो के रख दी थी और अब ये आपके सामने है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कटी प्याज, अदरक और लहसुन, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, और दो छोटे टमाटर। तो स्टार्ट करते हैं। और प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और टमाटर डाल के मसाला बनाते हैं। तो अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ी देर फ्राई करके अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और सूखी मिर्च और हल्दी। तो ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें पानी डालेंगे, डेढ़ गिलास पानी ऐड कर देंगे हम। और इसको बॉयल आने दें। तो ये देखें पानी बॉयल हो चुका है और दाल हमने धो के निकाल ली थी और अब हम इसमें दाल डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देंगे। जब तक इसको बॉयल नहीं आता इसका फ्लेम तेज़ रहने देंगे। तो बॉयल आना शुरू हो गया, अब फ्लेम थोड़ा आहिस्ता करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें दाल बन चुकी है और अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया और इसको कवर कर देंगे। जी व्यूवर्स, कैसी लगी आपको हमारी दाल? उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी ये दाल ज़रूर बनाइएगा और फिर हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।